नया वर्ष के प्रथम दिन डिप्टी सीएम अरुण साव सपरिवार महामाया मंदिर पहुंचे। महामाया मंदिर में दर्शन कर उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। महामाया मंदिर परिसर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता का फूलमाला के साथ स्वागत किया। भाजपा रतनपुर मंडल के साथ साथ बड़ी संख्या में बिलासपुर से भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के साथ साथ कार्यकर्ता महामाया पहुंचे थे। पहली बार डिप्टी सीएम बनने के बाद महामाया पहुंचे अरुण साव का आतिशबाजी एवं गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 2024 का आज पहला दिन है, छत्तीसगढ़ में भी नया सवेरा हुआ है और साल की शुरुआत महामाया से आशीर्वाद लेकर शुरू करने का निर्णय मैंने लिया है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की के लिए बढ़े, लोगों के जीवन में खुशियां आए, हमारा यह छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, विकसित बने, समृद्धि आए और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में खुशियां आए, ऐसी कामना मैंने माँ महामाया से की है। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट।